नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम जो शुभ मुहूर्त रहता है उस शुभ मुहूर्त में हम शादी नहीं करते और बाद में उसका परिणाम हमारे जीवन में अच्छा नहीं आता, वो शुभ समय चला जाता है। कई बार ऐसा देखा गया कि बारात लेट आती है और वो शुभ समय चला जाता है। फिर जो शादी का समय है उसमें जो परिणाम है वो बहुत ही अशुभ आते हैं। तो आपको आज आपके सामने में जो हमारे शुभ मुहूर्त में 15 नक्षत्र है जो बहुत ही शुभ माने गए हैं, साथ ही उसमें कुछ नक्षत्र, 4 नक्षत्र ऐसे हैं जिसको मध्यम गिना जाता है, और कुछ ऐसे नक्षत्रों की मैं बात करूंगा कि जिसमें हमें ये मुहूर्त नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, मुहूर्त का जो समय है, कई बार हम संगीत में जो आनंद में रहते हैं वो समय चला जाता है, इस बात को पूरा ध्यान देना चाहिए। आप अपने पंचांग से मुहूर्त निकाल सके ऐसे में सरल आज आपके सामने बातें रखने वाला हूं। आप नक्षत्र देख सके, हमारे जो नक्षत्र 27 नक्षत्र है उनमें से 15 नक्षत्र शादी में लेने से दोस्तों वो वर कन्या का जीवन में बहुत ही शुभ परिणाम आता है। और ऐसा भी देखा गया कि शुभ नक्षत्रों में शादी करने से उसके जीवन में शांति रहती है, उसके जीवन में सफलता मिलती है, उसके जीवन में प्रेम बढ़ता है। लेकिन अशुभ समय में, जो हमारे शास्त्र में अशुभ समय दिखाया गया है, उसमें शादी करने से उसका परिणाम बहुत ही अशुभ रहता है। तो ऐसे आप 27 नक्षत्र हमारे पंचांग में दिए गए हैं, उनमें से जो 15 नक्षत्र शुभ है उसकी मैं बात करने वाला हूं। जो नक्षत्र के मैं नाम नहीं लूंगा दोस्तों, वो नक्षत्र अशुभ माने जाते हैं। ऐसा नहीं है वो शादी में अशुभ माने जाते हैं, वो नक्षत्र भी कुछ शुभ मुहूर्त दिए जाते हैं, जैसे कोई प्रतिष्ठा या कोई पूजा है या और भी हम सत्कर्म करते हैं उसमें वो नक्षत्र लिए जाते हैं। लेकिन जो आज मैं शादी के 15 नक्षत्र है उसकी बात करने वाला हूँ, वो बहुत ही शुभ माने जाएंगे। 4 नक्षत्र ऐसे है जिसमें मध्यम दिया गया है, तो आप वो नक्षत्र लिख लीजिए। यहाँ 27 नक्षत्र का हमारे पंचांग में लिखा गया, पहला नक्षत्र जो बहुत ही शुभ माना गया है और मध्यम माना गया, वो भी मैं 4 नक्षत्र कहूंगा। 15 पहले शुभ नक्षत्र की हम बात कर ले दोस्तों। साथ ही एक और बात, जब हम शुभ समय पंडित जी के पास निकालने के लिए जाए तब वहां मुहूर्त में चंद्रमा देखा जाता है, बृहस्पति की स्थिति देखी जाती है, साथ ही सूर्य भगवान की स्थिति भी देखी जाती है और नक्षत्र भी शुभ माने जाते हैं, जिनमें से पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा नक्षत्र है रोहिणी, तीसरा नक्षत्र है मृगशीर्ष, चतुर्थ नक्षत्र है मगा, पंचम नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी, षष्ठम नक्षत्र है हस्त, सप्तम नक्षत्र है चित्रा, अष्टम नक्षत्र है श्वाति, साथ ही नवम नक्षत्र है अनुराधा, दशम नक्षत्र है मूल। वैसे जो 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में है उसमें मूल नक्षत्र गिना जाता है, लेकिन यह शादी में मूल नक्षत्र लिया जाता है, शुभ माना जाता है। साथ ही 11वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, 12वां नक्षत्र माना जाता है श्रवण, 13वां नक्षत्र माना जाएगा धनिष्ठा, 14वां नक्षत्र माना जाएगा उत्तर भाद्रपद, और अंतिम जो नक्षत्र शुभ माना जाएगा शादी के लिए होए रेवती। ये 15 नक्षत्र बहुत ही अति शुभ माने जाते हैं, लेकिन इनमें से 4 नक्षत्र को मध्यम गिना जाता है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि आप अच्छे पंडित जी के पास शुभ मुहूर्त निकाल लिए, उसमें चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य तीनों ग्रहों की स्थिति देखने के बाद यहाँ मुहूर्त निकाला जाता है। जिसमें एक बात आपको कहूँ तो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा, जैसा आपका नक्षत्र है अश्विनी, तो अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि आती है, तो यहाँ दोस्तों अगर चंद्रमा देखेंगे तो यहाँ 3 राशि ऐसी है जिसकी स्थिति अशुभ मानी जाती है चंद्रमा की। जैसे चंद्रमा दोस्तों यहाँ मेष राशि में रहेंगे
तो यह वृषभ राशि है, कन्या राशि और मकर राशि, तो इन्हें चंद्रमा का यहाँ अशुभ स्थिति मानी जाती है। तो चंद्रमा का यहाँ पूजा पाठ जप अनुष्ठान करके अच्छा मुहूर्त निकाल के यहाँ आप शादी का मुहूर्त निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा की स्थिति देखनी बहुत ही आवश्यक है, बृहस्पति की स्थिति देखनी बहुत ही आवश्यक है, साथ ही सूर्य की स्थिति देखनी बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। साथ अब में चार नक्षत्र ऐसे है जिसको मध्यम गिना जाता है, और जो नक्षत्र का नाम मैंने नहीं लिया है वो शादी में दोस्तों नहीं लेना चाहिए। कई बार बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं कि पंडित जी हमने हमारी शादी हो गई है, 3-4 मास हुए लेकिन हमारे बहुत झगड़े हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। मैं कई बार कहता हूं कि आपकी जन्म कुंडली दोनों की मिलान करनी चाहिए, साथ ही वहां ग्रहों की स्थिति देखनी चाहिए, वहां भाव देखने चाहिए, कुंड मिलान में कितने गुण मिलते हैं, मंगल की स्थिति कैसी है, सब देख के आपको शादी में यस कहना चाहिए। साथ ही शुभ मुहूर्त का समय है बहुत ही आवश्यक है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। मैं बार बार कहता हूं कि आप शुभ समय में शादी करें, पाणी ग्रहण करें, जिससे आपका समय आने वाला है वो शुभ बन जाए। लेकिन कई बार देखा गया है, अनुभव किया है कि शादी का जो शुभ समय है, पाणी ग्रहण का शुभ समय है, हस्त मिलान का जो शुभ समय है वो चला जाता है, और फिर जो अशुभ समय उसमें शादी करते हैं तो उसका परिणाम अशुभ ही आता है। दोस्तों जो आपके सामने में चार नक्षत्रों की बात करने वाला हूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो और ऐसी जानकारी आपके जीवन में लाभप्रद बन सके। दोस्तों साथ ही बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं, SMS आता है कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, हमें शुभ मुहूर्त निकालना है, तो मैं कई वीडियो में कह चुका हूं कि ज्योतिष देखने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है, उसी समय आप कॉल करें, आपको मुलाकात का समय दिया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यहाँ कुंडली विशेषण कर दी जाती है। दोस्तों ऑनलाइन आपको कुंडली दिखानी है तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाएगा, वहाँ आपको अपनी पूरा डिटेल भेजना होगा, सुनिश्चित दक्षिणा है वो भेजनी होगी, फिर आपको समय दिया जाएगा और समय के साथ आपकी कुंडली भी आपको भेजी जाएगी और उसमें सारे शास्त्रोक्त उपाय आपको बताए जाएंगे। दोस्तों अब मैं जो कहने वाला हूं, जो चार नक्षत्र है ऐसे है जो मध्यम गिना जाता है, पहले तो ये बात नोट कर लीजिए कि अगर आपकी ये जो आपकी राशि के अनुसार आपको चंद्रमा, फिर से कह रहा हूं चंद्रमा, बृहस्पति साथ ही सूर्य महाराज की स्थिति देख के शुभ नक्षत्र में शादी कीजिए। चार नक्षत्र है, अशुभ नहीं है, मध्यम है, इसका परिणाम भी अच्छा आता है लेकिन ये मध्यम माना जाएगा। ये चार नक्षत्र कौन से है, सबसे पहले मैंने कहा था अश्विनी, ऐसे मध्यम स्थिति में भी अश्विनी को देखा जाता है, साथ ही यहाँ चित्रा नक्षत्र है वो भी मध्यम कैटेगरी में गिना जाता है शादी के मुहूर्त में। बार बार कह रहा हूं दोस्तों शादी के मुहूर्त में ये नक्षत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं, और जो नक्षत्र है वो और मुहूर्त में देखा जाता है। साथ ही दोस्तों तीसरा नक्षत्र है वो श्रवण है, चतुर्थ नक्षत्र है वो है धनिष्ठा, ये चार नक्षत्र है दोस्तों उसको मध्यम गिना जाता है, और 11 नक्षत्र है उसको बहुत ही शुभ माना जाता है, इसमें आप शादी करेंगे इसका परिणाम आपके जीवन में अति शुभ आएगा। दोस्तों ऐसे ज्योतिषी जानकारी, मुहूर्त की जानकारी, साथ ही कुंडली विशेषण, कुंडली के जो ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसे शुभ बने, शुभ उपाय, ऐसे बहुत सी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।